यूनिवर्सिटी करनाल में पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे अतिथि अध्यापक मांगों पर अड़े हुए हैं। कहा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। इसी बीच सोमवार को कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अतिथि अध्यापक धरना स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने अनशन पर बैठे राजकुमार कली रमन का हालचाल जाना और उनसे अनशन तोड़ने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि यह सरकार उनके लिए कुछ नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा कि जो रोजगार अपनी सरकार के कार्यालय में अतिथि अध्यापकों को दिया जाता था, वही आगामी सरकार कांग्रेस के बनने के बाद अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का काम करेंगे। हुड्डा ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकालने में मगन है, इन्हें जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कुमारी शैलजा ने अतिथि अध्यापकों को आश्वासन दिया कि उनकी नियमित करने की मांग को सिर्फ कांग्रेस ही पूरा करेगी। इस प्रकार से हम भी गैर इस प्रकार से ज़्यादा हमें मत करो, आप हम आपकी आवाज़ उठाएंगे और सरकार को आग्रह करता हूँ तुरंत जिनका आंसर तुरंत हमारे चैनल से तोड़ो तो वो हमारे चैनल तोड़ दो भाई, देखो जिंदगी बहुत जरूरी होती है, संघर्ष तो हम करते रहेंगे और सरकार का आश्वासन मिलने की बात तो मैं सरकार को कहूँगा कि तुरंत आ गए इसको। कुछ भी नहीं होएगा, क्या करोगे, क्या सही था क्या करोगे ना, ऐसे है, मैं सही बता रही हूँ। ये पाटे से है क्या, पाटे का है, कहने के बाद इन्होंने फिर घोषणा पत्र में आपको पूरा वायदा किया, उसके बाद कहा 55 साल का हो गया है, 3 साल के बाद में ये रिटायर हो जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।